प्रदेश के महाकाल उज्जैन, जहाँ पर महाकाल को उज्जैन नगरी का राजा कहा जाता है। और इस वक्त हम खड़े हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, और वो सामने हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाएं कि ये है महाकाल का असली नज़ारा, जहाँ पर हम आपको लेकर आए हंगामा टाइम्स न्यूज़ की ओर से महाकाल उज्जैन के दर्शन कराने के लिए। और जो मुख्य बिंदु रहे महाकाल, जिस तरह से महाकाल उज्जैन नगरी के राजा कहे जाते हैं, और ये हम जिस बोर्ड इस समय जिस वहाँ पर खड़े हैं, यह हरसिद्धि मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर रामघाट और सिंहासन 32, जहाँ पर आपको बता दें कि महाराजा विक्रमादित्य जो आखिरी राजा रहे हैं उज्जैन के, जिस तरह से उन्होंने बता दें कि पूरे भारत के जो राजा महाराजा रहते थे, उनकी कोई भी समस्या आती थी तो महाराजा विक्रमादित्य उसकी सुनवाई करते थे। इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं मतलब सभी राजाओं में उत्कृष्ट राजा कहा गया है, और वो कहीं ना कहीं जो न्याय करते थे। और हम दिखाना चाहेंगे कि वो उनकी प्रतिमा वहाँ पर लगी है, ये मैदान है जो महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन 32 के नाम से है, उसी के पीछे हम एक चौराहे पर खड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी के सारे नज़ारे हम आपको आज दिखाने आए हैं, उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन भी कराने आए हैं। जिस तरह से ये हाल ही में पुरातत्व विभाग द्वारा, जिस तरह से आपको बता दें जो पुराने राजा थे उनके द्वारा इस मंदिर को गिरा दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, उसके बाद महाराजा विक्रमादित्य ने पुनः जिस तरह से मंदिर की नींव रखी और मंदिर का निर्माण शुरू कराया, और उसके बाद महाकालेश्वर को स्थापित किया। और प्रमुख विशेषता जिस तरह से आपको बता दें कि ये भी रही है कि महाकालेश्वर मंदिर दक्षिण मुखी शिवलिंग यहाँ पर है, और उसके बाद भी जब जैसा कि हमने लोगों से भी चर्चा की तो उन्होंने बताया कि दक्षिण मुखी जिस तरह से महाकालेश्वर के सामने ही एक शमशान घाट है, और शमशान घाट की वजह से ही दक्षिण मुखी महाकालेश्वर इसे कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मान्यता ये भी है कि महाकाल का तो जो कि जो भस्म आरती होती है वो रोज़ संध्या में होती है, और जिस कारण से बड़ी मान्यता है कि महाकाल की आरती भस्म आरती जो कहीं ना कहीं एक लाश की भस्म से होती है, लाश की राख से होती है, महाकाल की आरती होती है। और काफ़ी प्रसिद्ध ये नगरी है, और लगातार यहाँ पर जो पर्यटक है उनका तांता भी लगा रहता है। लेकिन जिस समय COVID-19 का भी काफ़ी प्रकोप है, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं, और आज शाम से यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन भी लगाया जाएगा सोमवार तक। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि अभी हाल ही में महाकाल की इस नगरी उज्जैन मंदिर में खुदाई भी हुई है पुरातत्व विभाग द्वारा, और वहाँ के महंत ने बताया कि जो अवशेष मिले थे खुदाई में, वो कहीं ना कहीं जो प्राचीन समय में मंदिर को ध्वस्त किया गया था उसके अंश है। लेकिन अभी हम आपको दिखाने निकले हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ की ओर से उज्जैन महाकाल में जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनके दर्शन कराने। हरसिद्धि माता की जो हम बात कर रहे थे, हरसिद्धि माता का जो मंदिर है, और जो 51 जो उनके अंश गिरे थे, जो पिंड गिरा था माता का, यहाँ पर माता की यहाँ पर कोहिनी गिरी थी, और जिस वजह से हरसिद्धि माता का यह मंदिर पर स्थापित हुआ। लेकिन जिस तरह से उज्जैन महाकाल कालों के काल महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी तरह से हमारे चैनल के माध्यम से भी आप महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। और विक्रमादित्य जो सर्वश्रेष्ठ राजा कहे जाते थे, और उन्होंने जो भी राजा महाराजा उज्जैन महाकाल नगरी में बसते थे, वो ज़्यादा दिन तक उज्जैन महानगरी के राजा नहीं रह पाते थे, और जिस वजह से फिर महाराजा विक्रमादित्य ने जो योगिनी थी, जो भूत पिशाचनी थी, वो राजाओं को खा जाती थी। इस कारण से कोई राजा अगर यहाँ बनता भी था तो एक दिन दो दिन से ज़्यादा वो राजा नहीं बन पाता था। और लेकिन जब महाराजा विक्रमादित्य ने अपनी सिद्धि से और तंत्र मंत्र की विद्या से उन 64 योगिनी कही जाती है, लेकिन 32 योगिनी को उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की उन्होंने, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनकी 32 सिंहासन कहा जाता है उस पर वो 32 योगिनी आज विराजमान हैं, और जब भी वो न्याय करने बैठते थे तो 32 योगिनी उनकी सीट पर सुसज्जित हो जाती थी, सज्जित हो जाती थी। लेकिन जिस तरह से हम अभी आपको एक तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे महाराजा विक्रमादित्य के उस सिंहासन की, जिसकी चर्चाएँ आज भी हैं, और विक्रमादित्य जो महाराज थे कहीं ना कहीं उज्जैन नगरी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परम शिव के भक्त महाराजा विक्रमादित्य को कहा जाता था। हंगामा टाइम्स न्यूज़ आज आपको दिखाने वाली है उज्जैन महानगरी के ऐसे ही प्रसिद्ध चीज़ें, जिस तरह से हमने आपको बताया कि सिद्धिदात्री
माता का जो मंदिर है वो आखिर क्यों प्रसिद्ध है, किस वजह से महाकाल का जो मंदिर है, और बात कर रहे थे हम भस्म आरती की। भस्म आरती लगातार होती रहती थी यहाँ पर, लेकिन एक बार ये भी हुआ कि भस्म आरती, क्योंकि उस दिन कोई भी लाश इस शमशान घाट में, जो मंदिर के सामने शमशान घाट था, उस शमशान घाट में एक भी लाश नहीं जली थी, जिस कारण से जो वहाँ के महंत थे, जो वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने अपने ही बेटे को वहाँ पर मौत की नींद सुला दी, और उसकी जो लाश थी उसकी भस्म आरती से उन्होंने महाकाल की आरती की। उसके बाद ये भी बात हुई कि महाकाल वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने उस पुजारी से कहा कि अब से यहाँ पर कंडे की भस्म से मेरी आरती होगी, मेरी जो भस्म आरती है वो होगी। क्योंकि इस तरह की चीज़ें अभी हम आपको दिखाते रहेंगे महाकाल उज्जैन की नगरी में, कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो जिसको सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा कि किस तरह से उज्जैन की महानगरी में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इस वक्त अब हम आकर आ पहुँचे हैं माँ हरसिद्धि, यहाँ भक्त मंडल उज्जैन हरसिद्धि माता के मंदिर के बारे में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से ये मंदिर प्रसिद्ध है, क्योंकि जो 51 पिंड थे माता के, हरसिद्धि माता के, जो पार्वती माता थी, कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ हुआ था उसमें कूद कर जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं जो कोशिश की थी, उसके बाद जो उनके 51 पिंड पूरे पृथ्वी पर जिस तरह से अलग अलग जगहों पर गिरे, वो भी ये हरसिद्धि माता का कोहिनी यहाँ पर गिरी थी, जिस तरह से इस मंदिर की अलग ही मान्यता है, क्योंकि सिद्धिपीठ भी इसे कहा जाता है कि तंत्र विद्या के लिए ये उत्कृष्ट पीठ है, जहाँ पर तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए तांत्रिक विद्या का भी वो किया जाता है। ये मंदिर है, और भक्त श्रद्धालु की संख्या भी काफ़ी संख्या में है, और लोग आ भी जा रहे हैं। पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि ये आरती के लिए बनाया गया है, जिस तरह से आरती यहाँ पर होती है, और विशाल आरती होती है। अभी यहाँ पर कुछ पंडितगण हैं जिनसे जानेंगे कि यहाँ का आखिर इतिहास क्या रहा है, जिस तरह से आइए हम आपको दिखाते हैं कि अलग ही मान्यता। ये जो पेड़ आप देख रहे होंगे, यहाँ अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए लोग धागे भी बांधते हैं, और अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों से यहाँ के, जो यहाँ पर दर्शन भी करने आए हैं, और कहीं ना कहीं अरे पंडित जी एक पंडित जी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे माता हरसिद्धि के बारे में। पंडित जी आप कुछ जानकारी चाहते हैं माता हरसिद्धि? समय नहीं कि मैं आपको जानकारी दे, थोड़ी सी एक मिनट नहीं देखो नहीं तो अभी हम आपको जानकारी लेकर जुटाएंगे। जिस तरह से अभी हमने बताया कि किस तरह से यहाँ की जो हरसिद्धि माता हैं, किस तरह से उनकी जो कोहिनी यहाँ पर थी वो गिरी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं इसको सिद्धिपीठ का रूप दिया गया है, और हम कुछ पंडित जी लोग हैं जो मंदिर पर पूजा पाठ कर रहे हैं, और ये गणेश जी का भी एक मंदिर है। पंडित जी से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे हरसिद्धि माता के बारे में। पंडित जी कुछ जानकारी हम लोग चाह रहे थे माता हरसिद्धि के बारे में, जैसा कि 51 पिंडों में जो उनकी कोहिनी गिरी थी, जिस वजह से इसको सिद्धिपीठ कहा गया, तो कुछ जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को दें कि आखिर उज्जैन आए तो किस तरह से हरसिद्धि माता के बारे में वो जान सकते हैं। माँ जगदम्बा हरसिद्धि 51 शक्तिपीठों में से एक जी, माँ का यहाँ पे कोहनी गिरी थी माँ की, और मान्यता ये है माता जी की कि जो भी मनोकामना अपनी लेकर माता जी के यहाँ आता है दर पे, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से देखा गया, इसका अनुभव किया गया है कि माता जी के यहाँ जो भी मनोकामना लेकर आता है वो मनोकामना पूरी होती है। ये माँ जगदम्बा का सब पे आशीर्वाद है। महाकाल और जगदम्बा दोनों यहाँ पर साथ ही साथ विराजमान हैं। हाँ, दोनों माँ महाकाल और माँ हरसिद्धि। माँ हरसिद्धि विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य है उनकी कुल देवी। माँ हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य राजा थे यहाँ के, उनके कुल देवी है माँ हरसिद्धि, आराध्य देवी माँ हरसिद्धि। कहीं ना कहीं आज उज्जैन नगरी में आखिर इनके दर्शन मात्र से किस तरह की पूर्ति होती है? दर्शन कहीं भी भगवान के दर पे अगर जाएं अपन, कहीं भी चले जाओ, दर्शन करें, कोई मनोकामनाएं अपनी मांगे तो वो अवश्य ही पूरी होती है, लेकिन मन में एक विश्वास रहना चाहिए, विश्वास का भाव रहना चाहिए मन में, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके मन में विश्वास है, आप पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, भले वो कहीं भी जाएं आप। क्या शुभ नाम है महाराज जी? मेरा पंडित हेमंत मेहता उज्जैन। ठीक,
तो ये थे पंडित हेमंत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अपने कहीं ना कहीं जो विश्वास भगवान पर अटूट विश्वास जताकर जब कहीं पर भी आप पहुंचते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन जिस तरह से दिखाएंगे कि चिंता हरण गणेश जी हैं, सभी की चिंताएं हरण करते हैं, और हम मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में आपको दिखाने निकले हैं कि किस तरह से महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं सिद्धिदात्री माता, जिनके पास हम इस वक्त आए हैं, और कहीं ना कहीं हरिहरी सिद्धि माता जो है, कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जो यहाँ के राजा थे उनकी कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। और जब महाराजा दक्ष के यज्ञ के बाद जिस तरह से 51 पिंड माता के अलग अलग पृथ्वी के भाग पर गिरे थे, जिसमें एक भाग उज्जैन नगरी भी है, हर सिद्धि माता की कोहिनी यहाँ पर गिरी थी, और अभी और भी नज़ारे मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी के हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में, जहाँ पर हम लेकर आज आपको आए हैं विक्रमादित्य जो महाराज थे, यहाँ के जो राजा थे, उज्जैन के जो राजा थे। जैसा कि आपको बता दें कि महा जो शिव हैं उनके परम भक्तों में विक्रमादित्य की गिनती होती थी। लेकिन ये जो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, ये जो 32वीं सिंहासन के नाम से महाराजा विक्रमादित्य का ये सिंहासन मशहूर है, जिस पर कहीं ना कहीं वो बैठ कर न्याय का फैसला करते थे। और आपको बताते चले कि पूरे भारत में जितने राजा थे उन सभी की समस्याओं को सुनने के लिए जो उनका नेतृत्व करता था, जो एक प्रमुख राजा के तौर पर जाने जाते थे, महाराजा विक्रमादित्य। अभी हम यहाँ पर उज्जैन नगरी में महाकाल के सामने ही ये सिंहासन बना हुआ है महाराजा विक्रमादित्य का। ये सभी पिशाचिनी है, जो योगिनी जिनको कहा जाता है। जैसा कि हमारे जो ग्रंथ है उसमें जिस तरह से उल्लेख किया गया है कि 64 योगिनी जो कहा जाता है योगिनी, वो सभी योगिनियों की यहाँ मूर्तियाँ हैं। और कहीं ना कहीं इनके नाम को भी दर्शाया गया है कि किस तरह से माल्यावती, लवण्यवती, समर जीवनी, जिस तरह से ये सभी थी जिनके ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने एक तप तपस्या कर उन सब पर सिद्धि हासिल की। जिसके बाद जैसा कि आपको बता दें कि उज्जैन नगरी में जितने भी राजा रहे हैं वो लंबे समय तक टिक नहीं पाए हैं, या तो वो दिन भर के राजा रहे हैं या तो शाम तक में उनकी ही मौत हो गई। क्योंकि वेदों के अनुसार, जिस तरह से जो पुराण है उसके अनुसार जिस तरह से उल्लेख किया गया है कि ये जो पिशाचिनी या यहाँ तस्वीरों में दिखाई जा रही हैं, ये उन राजाओं को खा जाती थी, ख़त्म कर देती थी। लेकिन महाराजा विक्रमादित्य ने जिस तरह से सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि महाकाल महाशिव के परम भक्तों में जो महाराजा विक्रमादित्य हैं इनकी गिनती होती है। अब हम आपको लेकर चलते हैं, ये देखिए, ये देख रहे होंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शाया गया है कि प्रजननों में विक्रमादित्य, जिस तरह से ये तस्वीरें हैं उनकी, कहीं ना कहीं रानियों की या उनके ये जिस तरह से प्रजननों की तस्वीरें विक्रमादित्य की यहाँ पर दिखाई गई है। विक्रमादित्य ये महाराज का द्वार है, कहीं ना कहीं जो नवरत्न दरबार आसन जन कल्याण समिति के माध्यम से आज भी संचालित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जूते चप्पल उतारने के लिए कहा गया है, हम अपने जूते चप्पल उतार लेंगे और फिर इस धार्मिक जगह पर जाएंगे। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरें ऊपर की दिखाते रहें कि किस तरह से जीने, और काफ़ी गर्मी हो गई है। और महाकाल भैरव का भी ये मंदिर है, उनकी सवारी भी सामने ही है। अब लेकिन जो 32वीं सिंहासन के नाम से मशहूर यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य की जो मूर्ति है, और कहीं ना कहीं ये जो समिति है यहाँ के संचालनकर्ता लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी अभी कुछ ना कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि जो परम भक्तों में महाराजा विक्रमादित्य की गिनती आती थी, किस तरह से आज जो पर्यटक आते हैं, और ये जो 32 सिंहासन का जो रहस्य है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मैं पंडित रघुनंदन शर्मा। पंडित जी, थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि जो ये जो 32 सिंहासन के नाम से मशहूर महाराजा का सिंहासन, जहाँ बैठ कर ये न्याय करते थे, इसका रहस्य क्या है? यह महाराजा विक्रमादित्य सिंहासन 32वीं नवरत्न दरबार के नाम से इनका इतिहास है जी। महाराजा विक्रमादित्य माँ भगवती हरसिद्धि के उपासक रहे हैं, माता जी के आशीर्वाद से इनको सिंहासन की गद्दी हासिल हुई जी। और माता जी ने कहा कि मैं और मेरी 31 देवियों 32 दुर्गा
मिलकर के आपका मंत्रिमंडल बनाएंगे और पीछे नवरत्न की प्रतिमा है, वरुचि श्री शंकु अमर सिंह कवि कालिदास छपना कुरा में धनवंतरी वेताल भट्ट, ये इनके सलाहकार के रूप में नवरत्न हुए हैं। तो 32 देवियाँ और नवरत्न का यहाँ दरबार लगता था। महाराज जी स्थान पर बैठ करके न्याय करते थे। इंद्रलोक में जाकर के इनके द्वारा देवताओं का न्याय हुआ। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि महाराज तुम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाओगे, सारे जम्बूद्वीप में तुम्हारे नाम से विक्रम संवत जाना जाएगा, जो हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार विक्रम संवत चलता है। जीवन मरण प्रण की जितनी भी क्रियाएं हैं महाराजा विक्रमादित्य के नाम से ही सिद्ध होती है। जो आज विक्रम संवत 2077 चल रहा है, अभी चार दिन आगे 2078 लग जाएगा, गुड़ी पड़वा के समय से प्रारंभ होता है। तो ये जगह महाराजा विक्रमादित्य सिंहासन 32 के नाम से। महाराज जी क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से एक ये जो 32 योगनी, जैसा कि 64 योगनी हमारे वेदों में कही जाती है, 32 योगनी पर इन्होंने जो एक कहीं ना कहीं जो तपस्या करके वो हासिल किया था, इन पर कहीं ना कहीं जीत हासिल की, तब जाके इनकी ये जो सिंहासन है उस पर कहीं ना कहीं उनकी प्रतिमाएँ और सुसज्जित करती थी वो। ये क्या है कि महाराज विक्रमादित्य और इनके बड़े हुए महाराजा भर्तृहरि जी जो हुए हैं, ये माँ हरसिद्धि माँ देवियों के उपासक रहे हैं और इनकी इतनी भक्ति रही है कि आपस में दरस परस होता था, इनकी चर्चाएं होती थी। और महाराजा विक्रमादित्य का इतिहास बताता है कि 11 बार अपनी गर्दन काट करके माता जी के चरणों में चढ़ा दी थी, तो माता जी ने पुनः उनको निर्माण शरीर का निर्माण करके उनको जीवित कर दिया। तो माता जी की इनकी इतनी भक्ति थी कि माता जी 32 दुर्गा के रूप में, जो हरसिद्धि अपने दुर्गा सप्तशती में विधान बताया गया है, 32 देवियाँ स्वयं महाराजा विक्रमादित्य की 32 दुर्गा के रूप में बैठ करके न्याय बता सलाह। कोई राजा ऐसा, मतलब महाराजा विक्रमादित्य के पहले के जो राजा थे वो यहाँ पर टिक नहीं पाए, क्या वजह रही? नहीं, यहाँ कालों के काल महाकाल स्वयंभू है, स्वयं राजा हैं, है ना। ये महाराजा विक्रमादित्य इस कलयुग के राजा हुए हैं और स्वयंभू तो जब भगवान का यहाँ पर प्रागट्य हुआ है तो स्वयं महाकाल ही यहाँ के राजा है। आज भी नियम यही है, ऐसा नहीं कि इनके समय में, आज भी यही है कि जो पद पर राजा रहता है, जैसे प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, मुख्यमंत्री जी है, और हमारा उज्जैन ग्वालियर स्टेट में आता है तो सिंधिया जी यहाँ के राजा होते हैं, तो जो पद पर राजा है वह रात्रि विश्राम यहाँ नहीं करता है, सोते नहीं है, बाकी आते हैं दर्शन करते हैं, अपना और भी काम निपटा के यहाँ से इंदौर अथवा भोपाल चले जाते हैं, क्योंकि महाकाल राजा स्वयं है। इसलिए इनको भस्म आरती होती है महाकाल भगवान को, क्योंकि रात्रि में अधिकतर संख्या में लोग जागते रहेंगे तो भस्म आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए हमारी अवंतिकापुरी महाकाल की नगरी बड़ी चैतन्य और जागृत नगरी बताई गई है। बस जो भस्म आरती की बात बताई जा रही है कि महाकाल की जो आरती, भस्म आरती की वजह से कहीं ना कहीं उज्जैन नगरी में जो महाकाल के दर्शन करने लोग आते हैं। लेकिन एक बार की कथा ये भी है कि जब कोई लाश नहीं जली थी, कोई भस्म नहीं हुआ था, तो एक दिन किसी पुजारी ने अपने ही बेटे के लिए, अपनी बेटी की उस कहीं ना कहीं उसकी मौत पर उनकी ही जो भस्म थी उससे की थी, तो शंकर जी प्रकट हुए थे। तो क्या ये कहानी, ये जो कथाएं बताई जा रही है, सत्य है या असत्य है? नहीं, ये तो कहानी है, किंवदंती है, बहुत सारी बातें भी अपन उजोड़ रहे थे, परंतु इतिहास यही चला रहा था कि भगवान महाकाल को चिता भस्म का श्रृंगार होता है। जो तड़के 4 बजे आरती होती है उसमें भस्म का श्रृंगार होता है, चिता भस्म। परंतु आजकल यह विधान बताया गया है कि गाय के उपले की यहाँ भस्म तैयार करते हैं और चिता की भस्म कुछ लेकर के महात्मा आते हैं और उस भस्म में मिला करके भगवान का श्रृंगार होता है। क्या कहना चाहेंगे पूरे भारत के लोगों से महाकाल की नगरी के बारे में? महाकाल ज्वाता द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल है, अवंतिका पुरी मोक्ष पुरियों में से एक पुरी है, है ना। यहाँ शिप्रा नदी जो मोक्षदायिनी नदी है, इस प्रकार से यह एक हमारे सारे तीर्थों का राजा भी कहा गया है उज्जैन को। तो महाकाल है, माँ हरसिद्धि है, काल भैरव है, चिंतामण, गणेश, ऐसे बड़े बड़े स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। मोक्ष पुरियों में से एक अवंतिकापुरी भी एक मोक्ष नगरी है। क्या नाम बताया महाराज जी? मैं पंडित रघुनंदन शर्मा यहाँ पर पुजारी हूँ। ठीक, तो ये थे हमारे साथ पंडित रघुनंदन शर्मा जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं बखान किया कि किस तरह से विक्रमादित्य और उज्जैन की नगरी महाकाल की नगरी का जो अपना ही एक महत्व है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ आदमी अपने सभी कष्टों से निजात भी पाता है। और कहीं ना कहीं जो अकाल मृत्यु की बात की जाती है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, लेकिन काल भी उसका काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जिस तरह से हम महाकाल की नगरी में और विक्रमादित्य के सभी जो पूर्वज रहे हैं, जो उनके नवरत्नों में, जो उनके जिस तरह से रघुनंदन जी ने बताया कि उनके कहीं ना कहीं जो एक सलाहकार के रूप में हैं, छप कनक जो यहाँ पर दिख रहे होंगे तस्वीरें, घट
घटक परक जिस तरह से वर रुचि और सारे ही गुरु के इनकी तस्वीरें दिखाई जा रही, काफ़ी गर्म है यहाँ पर। और ये महाराजा विक्रमादित्य का असली सिंहासन जो बत्तीसी सिंहासन के नाम से मशहूर है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से महाराजा विक्रमादित्य यहाँ बैठ कर न्याय करते थे। और ये जो तस्वीरें विक्रमादित्य महाराज के अगल बगल आपको जो दिख रही हैं, वो किस तरह से, जैसा कि मैंने अभी अपनी तस्वीरों में बताया कि किस तरह से काफ़ी गर्म है यहाँ पर, लेकिन हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि उज्जैन महानगरी में किस तरह से हम आएंगे तो क्या क्या चीज़ें जो कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करने का बिंदु है, वो किस तरह की चीज़ें हैं। काफ़ी गर्म है, पैर सबके जल चुके हैं, और जिस तरह से एक धार्मिक स्थल था इस वजह से सभी ने अपने जूते चप्पल उतार दिया। महाराज रघुनंदन ने भी अच्छी जानकारी दी, जैसा कि हमने पहले ही आपको दिखाया अपनी तस्वीरों में, किस तरह से महाकाल के दर्शन से ही जो मोक्ष की प्राप्ति होती है और अकाल मृत्यु टल भी जाती है। और जिस तरह से हंगामा टाइम्स न्यूज़ आज आया था महाकाल के दर्शन कराने, यहाँ सभी पर्यटक बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं इनसे भी पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा दर्शन। बहुत अच्छा रहा। तो क्या कहना चाहेंगे महाकाल जी के बारे में? यही कि इनके दर्शन से अकाल मृत्यु नहीं होती, यही सुन के आए थे आप दर्शन करने बस। दादी क्या नाम है, क्या कहोगी आप, कैसा रहा, कैसी रही यात्रा? ठीक रहा, अच्छा है। अच्छा है, तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाने की छोटी सी कोशिश की कि किस तरह से उज्जैन नगरी जो आखिर किस वजह से प्रख्यात है, किस वजह से मशहूर है, जिस तरह से उज्जैन नगरी में जो मेन बिंदु कहा जाता है वो कहीं ना कहीं महाराजा विक्रमादित्य की कुल देवी जो सिद्धिदात्री बताई जा रही थी, उनकी वजह से उनकी कुल देवी हैं। और उज्जैन नगरी के जो महाकाल के राजा हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कोई भी इनके वहाँ पर मंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ पर रात नहीं बिता सकता है, क्योंकि उज्जैन नगरी में जो राजा है वो सिर्फ देवों के देव महाकाल है। तो ये थी हंगामा टाइम्स न्यूज़ की उज्जैन यात्रा, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उज्जैन नगरी में आखिर क्या क्या चीज़ें मुख्य केंद्र बिंदु है, जिसके दर्शन मात्र करने से किस तरह के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो मध्य प्रदेश की नगरी महाकाल की नगरी में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तीर्थ स्थल है वो किस तरह से, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे अति प्राचीन धर्मराज चित्रगुप्त का मंदिर है, रामघाट के नाम से सिद्ध है। मैं आपको बताते कि भगवान श्री राम ने जो अपने पिता दशरथ, जब उनका देहांत हुआ था, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो कहीं ना कहीं चित्रगुप्त जो भगवान थे उनसे उपाय भी पूछा था कि किस तरह से उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो जिस तरह से चित्रगुप्त ने बताया था कि भगवान जो महादेव हैं उनकी भस्म आरती जो होती है, उनके भस्म को माथे पर लगाने से कहीं ना कहीं हर तरह के संकट दूर होते हैं। जिस तरह से उस पर लिखा भी है कि शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उस भस्म को मस्तक पर लगाया जाए तो कहीं ना कहीं जो दुर्भाग्यपूर्ण से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। और दिखाना चाहेंगे कि ये सिप्रा नदी का वो घाट है जहाँ राम घाट के नाम से ये स्थल प्रसिद्ध है, और कहीं ना कहीं भगवान श्री राम ने यहाँ पर अपने पिता दशरथ का जो है पिंडदान भी किया था। और आज भी यहाँ पर कल्प काल सर्प दोष पितृ दोष मंगल दोष को लेकर यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं कहीं ना कहीं अपने दोष को मुक्त कराने। और जैसा कि हमने भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से उज्जैन महानगरी में हर तरफ किस तरह से धार्मिक स्थल बनाए गए हैं और जगह जगह श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना काल रहा उस कारण से श्रद्धालुओं की संख्या कम देखने को मिल रही है। और आज से यहाँ पर जो लॉकडाउन भी लगने वाला है सोमवार तक, और आज जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि ये राम घाट था, और पूरे भारत में जो धर्मराज हैं, जो प्राण हरने वाले जो यमराज हैं, उनका एक लौता ये मंदिर था जहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के पिंड दान किए थे, इस वजह से इस जगह की अलग ही महत्ता है। और जैसा कि ये था हमारे माध्यम से उज्जैन का पूरा धार्मिक दृष्टि से जो नज़ारा था कि किस तरह से भगवान शिव के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु टलती है, वहीं भगवान श्री राम ने किस तरह से सिप्रा नदी की भी एक अलग ही महत्ता है, जिस तरह से भगवान विष्णु और भगवान शिव के जो कहीं ना कहीं एक लड़ाई हुई थी उसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का जो खून हुआ था उसके बाद से सिप्रा नदी यहाँ पर स्थापित हो गई थी। और जो दूसरी बात है इस घाट की, जो भगवान श्री राम ने जो पिंड दान किया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो
प्राण हरने वाले हैं कहीं ना कहीं धर्मराज, उनका इकलौता पूरे भारत में मंदिर था। ब्रिश मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा उज्जैन नगरी में, इतना ही सफ़र, और फिर दिखाएंगे हंगामा टाइम्स न्यूज़ की ओर से किसी धार्मिक स्थल का पूरा नज़ारा कि आखिर किस वजह से वो धार्मिक स्थल की अलग महत्वता है। ये जो स्टोन है इस पे कृष्णा जी बैठते थे, खड़ा हुआ है। अच्छा, समझा। महाराज जी आप कब से हैं यहाँ पर? मैं सांदीपनी परिवार का सदस्य हूँ जी, जन्म से। जन्म से श्री कृष्ण जी ने यहीं पर पढ़ाई की थी। आपका शुभ नाम? पंडित शैलेंद्र व्यास। ठीक है, प्रणाम। तो इस वक्त हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भरतही गुफा है जो महाराजा विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई थी, जहां पर ये सिप्रा नदी है और ये आरती हो रही है इस समय, और हम सभी लोग यहां पर पहुंच गए हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि उज्जैन शहर का नाम, जिस तरह से देखिए भरतही गौशाला सामने आपको दिख रही है, उज्जैन नगरी जो महा शिव शंकर या यूँ कहें महाकाल की नगरी कही जाती है, और इस वक्त हम आए हुए हैं आपको लेकर महाकाल की नगरी के तीर्थ के दर्शन कराने। आपको बताया 12 ज्योतिर्लिंग थे, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर गिरा था, जिस वजह से इसकी एक अलग ही महत्वता है। और ये भरतही गुफा है, और ये देख रहे हैं संत महात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी भरतही गुफा में आपको अंदर लेके चलेंगे, और यहाँ काफ़ी भीड़ है, लोग आए हुए हैं। और यहाँ की विशेषता जो है, महाराजा विक्रमादित्य द्वारा ये बनाई गई थी, यहाँ पर गौ रक्षाशाला, गायों का विशेष ध्यान रखा गया है। आइए लेके चलते हैं आपको गुफा के अंदर। जैसा कि आपको दिखा दें, ये लिखा भी है कि हजारों वर्ष पूर्व उज्जैन नगरी के राजा भरतही को सतगुरु गोरक्षनाथ ने शिक्षा दी, जिससे भरतही को वैराग उत्पन्न हुआ और उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। उनकी कठिन तपस्या से देवराज इंद्र को अपना राज्य छिन जाने का भय हुआ, तब इंद्र ने इस गुफा की शिला पर ब्रज से प्रहार किया, जिससे शिला टूट गई। भरतही नाथ ने तपस्या के बल पर शिला को ऊपर ही रोक दिया और 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भरतही नाथ की प्रेरणा से उनके भांजे श्री गोपीचंद ने भी तपस्या की, जिससे भगवान नील कंठेश्वर ने दर्शन दिए। इस धुन के दर्शन तथा भूतल लगाने में सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
जिस स्थान पर आप लोग आए हो ये है नौ ग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान। इस मंदिर के नीचे से कर्क रेखा भी गुजर रही है। इस मंदिर की जानकारी है स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में अवंतिका नगरी उज्जैन नगरी का पुराना नाम है। शिव स्कंद पुराण के अनुसार शिव जी का और एक राक्षस का घोर युद्ध हुआ था। यहाँ शिव जी राक्षस को मार मार के थक गए थे, पसीने से तरबतर हो गए थे। शिव जी का मस्तक का पसीना गिरा है जगह पर धरती पर, धरती में से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। अंदर अपने को धरती माता का भी प्राचीन मंदिर मिलेगा। मंगल ग्रह शिव रूप में अविराजमान है। हर शिवलिंग के बाहर नंदी महाराज की सवारी देखते हैं। यहाँ अपने को मंगल के बाहर शिवलिंग के बाहर भेड़ की सवारी मिलेगी, क्योंकि मंगल ग्रह का वाहन भेड़ पर सवार है। उज्जैन नगरी में भी कोरोना काल में सब दूर प्रसाद चढ़ाना प्रतिबंधित है, सिर्फ यहीं परमिशन है। यहाँ का महत्व इसलिए है क्योंकि ये मंगल ग्रह की जन्मभूमि है और पूरे वर्ल्ड का एक ही मंदिर है मंगल ग्रह का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर पर अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए बाबा महामंगल को पंचम प्रकार का दान चढ़ाते हैं। पंचम प्रकार के दान में लाल रत्न मूंगा चढ़ेगा, जो अपन लोग अंगूठी में एक लाल रत्न मूंगा पहनते हैं। इसमें एक लाल रत्न मूंगा है, मसूर की दाल, लाल पोटली और पुष्प। जो भी भाई चढ़ाएंगे अपना नाम अपना गोत्र बोलेंगे, जिनको गोत्र नहीं पता वो सरनेम बोलेंगे। ये दान है अपने घर परिवार की सुख शांति का दान। ये लाल माला घर के लिए मिलेगी। किसी का घर में स्वभाव चिड़चिड़ापन हो, बड़े हो छोटे हो, मंगल जिनकी कुंडली में बैठते हैं वो थोड़े उग्र स्वभाव के रहते हैं। घर में किसी बहन भाई बच्चा बच्चे को ब्याह शादी में रुकावट आ रही हो वो भी ये माला पहन सकते हैं। किसी का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो वो भी पहन सकते हैं। मात्र 8 दिन ये माला पहनना है। मंगलवार से मंगलवार सर्व कार्य मंगल के लिए। एक व्यक्ति का काम हो जाए परिवार के दूसरे भी ये माला पहन सकते हैं। ये अपने परिवार पर असर करेगी। यंत्र घर में रखना है नव गुरु की शांति के लिए। मंगल महाराज को 21 कष्टों का स्वामी बनाए, जैसे छोटी छोटी बात पर घर में गृह कलेश, कोई शत्रु की बाधा, पुत्र संबंधित बाधा। एक बार अपने घर में ओम मंगलाई नमा जाप करना इस माला से, बाबा को अगरबत्ती लगाकर, सिर्फ एक बार, सर्व कार्य मंगल के लिए। तो ये जो दान है ये अपने परिवार को लगेगा, अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस मंदिर पर चढ़ाते हैं। इस मंदिर का महत्व इसलिए है क्योंकि ये जन्मभूमि है और पूरे वर्ल्ड का एक ही मंदिर है मंगल ग्रह का जन्म स्थान। तो ये एक परिवार का दान है। ये है महाकाल भैरव का।